फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन में, वो भी बिना किसी ऐप के। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपनी फ़ोटो को कैसे एडिट कर सकते हैं दोस्तों बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हम अपने मोबाइल में फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी फ़ोटोज़ की मदद से। इसमें दोस्तों एक ऑप्शन होता है जिसमें हम अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। बस आपको दिमाग लगाना होगा कि उसको हम एडिट कैसे करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अपने मोबाइल में बिना किसी ऐप के फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह हम फ़ोटो एडिट कर सकते हैं बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए। तो चलिए दोस्तों, हमारी फ़ोटोज़ जहाँ से ओपन होती हैं दोस्तों, उस पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों हमारी फ़ोटोज़ यहाँ से ओपन होती हैं, आप इस फोटो सॉफ्टवेयर को जो कि दोस्तों एंड्रॉयड में पहले से ही होता है, ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है, ये आपके मोबाइल में पहले से ही होगा, क्योंकि ये दोस्तों गूगल द्वारा दिया गया एक ऐप है जो ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल में होता है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से दोस्तों हम एक फ़ोटो चुन लेंगे, हम लाइब्रेरी पर जाएंगे। दोस्तों लाइब्रेरी पर जाने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ एक फ़ोटो है स्क्रीनशॉट्स में, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास इसमें से आप कोई भी एक फ़ोटो चुन सकते हैं, जो भी फ़ोटो आपको पसंद हो आप फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इस फ़ोटो पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास देखिए ये फ़ोटो आ गया है, ये कोई वॉलपेपर है दोस्तों, इसको हमको एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन रहता है, इस पर हम काट देते हैं इसको दोस्तों। यहाँ हमारे पास दोस्तों एक ऑप्शन रहता है एडिट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। हमने क्लिक किया दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों नया पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों हमें फ़ोटो एडिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो दोस्तों सारे फंक्शंस तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, इसमें जो मेन है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे फंक्शंस बताऊँगा तो दोस्तों ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे इसको देखते देखते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास रहता है इन्हेंस कर सकते हैं हम फोटो, जो मतलब अच्छा दिखने लगे, थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगे, कलर हैं वो और अच्छे हो जाएं, इन्हेंस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको सेव कर सकते हैं। और भी दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, ये दोस्तों गूगल वन पर जब हम लॉगिन करेंगे उसके बाद ही ये ओपन होते हैं, ये आगे के फंक्शंस, ठीक है दोस्तों। तो आप फ़ोटो को इन्हेंस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों क्रॉप का, यहाँ से दोस्तों हम फोटो क्रॉप कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो को काट सकते हैं बहुत आसानी से कुछ इस तरह। यहाँ पर सेव अ कॉपी पर कर देंगे, सेव कॉपी पर, तो दोस्तों इसकी कॉपी एक सेव हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं इसको, इस तरह फ़ोटो को घुमा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ से हम फ़ोटो को इस तरह भी क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये फंक्शन काफ़ी अच्छा है गूगल फ़ोटो एडिटिंग में। तो दोस्तों इसको हम अभी वापस कर देते हैं कुछ इस तरह, जैसा भी आप सिलेक्ट करना चाहें दोस्तों इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्रॉप कर सकते हैं। टूल्स पर दोस्तों ब्लर का ऑप्शन रहता है, लेकिन ये यहाँ पर वन लिखा हुआ है गूगल वन। अगर आप दोस्तों आपने गूगल वन पर लॉगिन किया हुआ है या प्रीमियम वो ले रखा है दोस्तों गूगल वन पर, तो दोस्तों ये ओपन रहेंगे आपके, ये ऑन रहेंगे ये फंक्शंस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ जाता है एडजस्ट, एडजस्ट पर दोस्तों ये लोगों के काफ़ी काम आता है फ़ोटो एडिटिंग में। आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, HDR बढ़ा सकते हैं, और भी आगे दोस्तों वाइट बैलेंस, ब्लैक पॉइंट, सेचुरेशन, और भी सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इनको यूज़ करके देखें, फिर हमें कमेंट करके बताएं। देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है दोस्तों फ़िल्टर का, इस एडिटर में दोस्तों फ़िल्टर हम लगा सकते हैं कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। देखिए ये वाला देखिए, थोड़ा सा देखिए कलर चेंज हो रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कलर चेंज हो रहे होंगे। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और कलर चेंज होते जा रहे हैं, इस पर मैंने क्लिक किया। देखिए दोस्तों इतने सारे फ़िल्टर हमारे पास हैं, और भी हैं, सब पर मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट भी आ गया है, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं दोस्तों। जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम वापस चलते हैं, इसको नन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आप तुरंत इस पर कुछ लिख के भेज सकते हैं किसी को फ़ोटो पर। तो दोस्तों मार्कअप पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है पेन, दोस्तों कुछ लिखना चाहते हैं हम यहाँ पर, इस पर लिखना चाहते हैं 1 2 3, ठीक है दोस्तों। इसको मार्क करना चाहते हैं तो इस तरह मार्क कर सकते हैं। ये दोस्तों हमने नाव को मार्क कर दिया है कुछ इस तरह, ठीक है दोस्तों। इसको हम अंडू भी कर सकते हैं इस तरह, इस पर हम लिख देंगे दोस्तों हेलो लिख सकते हैं इस पर, इस तरह।
ये देखिए दोस्तों हेलो लिख सकते हैं और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा हो कलर चेंज हो गया है। तो दोस्तों इस तरह हम पेन से इस पर फोटो पर कुछ भी लिख सकते हैं और इससे हम अंडू कर देंगे। उसके बाद अगर आपको सेव करना है तो डन पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन होगा दोस्तों सेव कॉपी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम दोस्तों पेन का इस्तेमाल करते हैं फोटो पर, इसको अंडू कर देते हैं हम पूरा। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है जब हम कोई फ़ोटो हमको कोई भेजता है उस पर कुछ लिख के भेजना है, हमको हाईलाइट करनी है किसी चीज़ को दोस्तों, तो हाईलाइटर रहता है हमारे पास, कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको हाईलाइट करना है तो आप ऐसे दोस्तों उस पर हाईलाइटर फेर देंगे कुछ इस तरह इस तरह। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा जैसे पत्तियाँ यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर जैसे कोई लाइन लिखी हो तो दोस्तों उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइटर की मदद से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक ऑप्शन रहता है दोस्तों टेक्स्ट, इससे हम लिख सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है दोस्तों, और कलर आप जो भी लगाना चाहें, येल्लो येल्लो लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं, ब्लू लगा सकते हैं, स्काई ब्लू, उसके बाद रेड हम कर देते हैं, रेड ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद इस पर, थोड़ा हाईलाइट होगा अच्छा तो नहीं लग रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम इस पर कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, ये मत सोचना ये फोटो कितना गंदा लग रहा है, आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में फ़ोटोज़ होता ही होता है दोस्तों, उसमें हम इतनी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, तो दोस्तों हम अलग से क्यों ऐप किसी ऐप को डाउनलोड करें। तो दोस्तों ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको अंडू कर देते हैं सारा जिससे कि फ़ोटो थोड़ा सा अच्छा लगने लगे पहले जैसा हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसको क्लियर कर देंगे, डन पर क्लिक किया हमने दोस्तों। अब यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है दोस्तों मोर, यहाँ पर स्क्रीनशॉट एडिटर है, ये हर मोबाइल में हो सकता ना हो, ये मेरे मोबाइल में तो है दोस्तों एंड्रॉयड में, और B612 ये मैंने दोस्तों इंस्टॉल कर रखा है अपने मोबाइल में, इस वजह से ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों फोटोज़ मैं आपका जो भी मतलब और भी आपने ऐप डाउनलोड कर रखे होंगे वो यहाँ पर मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली फ़ोटो सीधे B612 में खुलेगी, या फिर जो आपने ऐप डाउनलोड कर रखा होगा अपने मोबाइल में दोस्तों उसमें ओपन होगी। तो दोस्तों इतने आसान तरीके से हम अपने मोबाइल में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए दोस्तों अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, उसमें फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों हम अपने फ़ोटोज़ में कर सकते हैं, जो कि शायद आपको अभी तक आपने शायद ना देखी हो दोस्तों, इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।